हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो आई होप द प्रीवियस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू, राइट? एंड उसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंडर वी आर गोइंग टू कवर रेशियोज, परसेंटेजेस एंड द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Ace your school exams with Unacademy. This is about the Unacademy Plus and Iconic subscription, जिस पे आपको मिलेगा flat 10% off if you use the code SPGSS10. Go to the Unacademy Learning app and you will get more information about it. मैं आपको इसके benefits के बारे में बताऊंगी towards the end of the class. So welcome to the class everyone. I'm Gurleen Singh, your maths educator. I have 2+ years of teaching experience through online and offline modes. Also qualified for assistant professor through the UGC NET exam. Okay, so let's start with the topic. The first topic is ratios. Now, what are ratios? Ratios facilitate comparison between two numbers when one is divided by another. Okay, two numbers must have the same unit. Okay, so for example, if I say that Rita has 15 toys, right? Whereas Seema has only 5 toys, right? So I am going to ask you that what is the ratio of Seema's toys to Rita's toys. ठीक है, ratio बताना है। अब जो चीज पहले लिखी है, पहले वो आएगा numerator में, this is 5, ठीक है, and Rita has how many? 15 toys. So इसको हम लिखते हैं division की form में, 5/15, and when you bring it in the lowest form, I know that 5 1s are 5 and 5 3s are 15. तो ratio कैसे होगा? It will be 1:3. Right, so for every one toy that Seema has, Rita will have 3 toys. ठीक है, अगर एक toy Seema के पास, Rita के पास 3 होगा। Seema के पास 2 toys है तो Rita के पास 6 toys होंगे। ठीक है, it will be 2:6. क्यों? क्योंकि ये भी lowest form में 1:3 ही बनेगा। Right, so this is 1:3. This also brings me to the concept of equivalent fractions. तो जब भी कोई भी फ्रैक्शंस है या रेशियोज, अगर हम इक्विवेलेंट रेशियोज की बात करें, अगर उसका लोएस्ट फॉर्म सेम आता है, दैट मींस दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3/9, ओके 2/6, देन आई हैव 5/15, राइट, ओके 6/18, इस तरह से। अब आप देखोगे इन सबको लोएस्ट फॉर्म में लाओगे, सो 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 6 1s are 6, 6 3s are 18. सो इक्विवेलेंट रेशियोज किसे कहते हैं? जो लोएस्ट फॉर्म में सेम आती है, दैट द फैक्टर्स आर 1/3, जो कॉमन फैक्टर है उसको हटाने के बाद, राइट? सो द रेशियो इज 1:3. नाउ दे हैव द सेम यूनिट, मतलब जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम उन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं जो सेम है, ओके? फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं कैन आई कंपेयर 2 liters ऑफ वाटर विद 5 kg ऑफ वीट? इज इट पॉसिबल? नो, ठीक है, वो लीटर है, दैट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग से ऑफ लिक्विड्स, एंड kg इज अ यूनिट ऑफ वेट। सो आई कैनॉट कंपेयर दीज टू क्वान्टिटीज। तो कंपेरिजन के लिए यूनिट सेम होना चाहिए, नहीं तो मैं दो चीज़ों का रेशियो नहीं निकाल सकती। हाउएवर, आई कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ 12 kg एंड लेट्स से 36 kg। ठीक है, इसका मैं रेशियो निकाल सकती हूँ कैसे? आई डिवाइड इट, लाइक फॉर एग्जाम्पल 12/36, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आऊंगी, मतलब कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर दूंगी। 12 इज द कॉमन फैक्टर, 12 1s are 12, 12 3s are 36, अगेन द रेशियो इज 1:3, राइट? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द एजेस ऑफ फादर एंड सन आर 40 years एंड 15 years रिस्पेक्टिवली, वॉट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस? ओके, सो रेशियो ऑफ किसका पूछा है? फादर्स एज टू द सन्स एज, ठीक है, लाइक दिस। तो फादर की एज ऊपर आएगी, दिस इज फादर्स एज 40 years, एंड सन की एज कितनी है? इट इज 15 years। सो इन दिस केस यू विल सी दैट द यूनिट्स आर सेम, दोनों हम ईयर्स की बात कर रहे हैं, सो दिस गेट्स कैंसल्ड आउट। अब क्या बचा? 40/15, सो आई विल ब्रिंग इट इन द लोएस्ट फॉर्म, राइट? 5 8s are 40 एंड 5 3s are 15, कॉमन फैक्टर 5 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, राइट? सो माय रेशियो इज 8:3, ठीक है? तो फादर और सन की एज क्या है? 8:3 में है। अब ये 8 और 3 जो है मेरे रेशियोज हैं, ये मुझे एज नहीं बता रहा। फादर की एज जो है इट इज नॉट 8, एंड सन की एज इज नॉट 3, बट इन दोनों को मैं एक ऐसे कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ,
ठीक है, जिससे जो मेरा आंसर है वो इस तरह से आएगा कि कैंसिल आउट होके कॉमन फैक्टर्स जो है वो वापस मुझे 8 और 3 दे दें। सो इस केस में क्या कौन से ये जो x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। सो 8 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 5 किया था मैंने, तो मेरे पास क्या आई थी, एज आई थी, राइट, क्लियर। सो रेशियो इज व्हाट, रेशियो इज दिस फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म व्हेन वी कट आउट अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम इट। ओके, I hope it's clear to everyone. So, अब अगर मुझे assume करना होता, अभी assumption वाले questions भी आएंगे, तो I would say कि father की age जो है वो 8x है और son की age जो है वो 3x है. This is age in years, ठीक है? जबकि जो उनका ratio है, that is 8:3. और ये जो x की value मुझे पता नहीं है, which I'll find out in the later questions. अभी के लिए ratio के लिए क्या करना है? I just have to divide the two values that have the same unit. Right? I hope it's clear to everyone. जो बेसिक कंसेप्ट रेशियो का क्लियर होना चाहिए। ओके, प्रीतिज हाइट इज 170 सेंटीमीटर, राइट। प्रीति की हाइट कितनी है अगर हम बात करें, इट इज 170 सेंटीमीटर, और रीति की हाइट कितनी है, इट इज 1.64 मीटर, और मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रेशियो कितना होगा, 170 सेंटीमीटर अपॉन 1.64 मीटर। बट रेशियो की एक कंडीशन जो मैंने आप लोगों को बताई थी, दैट वाज द यूनिट्स मस्ट बी सेम, यूनिट्स जो है वो सेम होने चाहिए। अब मैं सेंटीमीटर और मीटर को कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, तो व्हाट आई विल डू, आई विल कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, राइट। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। सो 1.64 मीटर कितना होगा, दिस विल बी 1.64 × 100, ओके 100 मीटर ही आएगा आंसर, ठीक है। तो दिस इज 16400, दो डेसिमल प्लेसेस छोड़ के डेसिमल पुट किया, तो आंसर इज 164 मीटर, सॉरी दिस इज इन सेंटीमीटर, ओके 164 सेंटीमीटर। अब यूनिट्स जो है वो सेम हो गए, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 170 अपॉन 164, एंड दोनों के यूनिट सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ योर टास्क इज टू ब्रिंग दिस इन द लोएस्ट फॉर्म, ओके। लेट्स डू द डिविजन बाय 2, 2 इंटू 85 इज गोइंग टू गिव यू 70, 2 8s are 16 एंड 2 2s are 4। तो आंसर कितना आ रहा है, दिस इज इन द लोएस्ट फॉर्म, सो योर रेशियो इज 85:82। वट इज द रेशियो ऑफ प्रीतिज हाइट टू रीतिज हाइट, द आंसर इज 85:82, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, टॉम टुक 72 hours टू कम्प्लीट अ टास्क, वेर एज जेरी टुक 2 days, find the ratio of the time taken by them. Okay, so again in this you'll see जो हमारे units हैं, these are different. एक hours में है और एक days में है. तो क्या करते हैं, let's first of all convert them. That one day I know is equal to 24 hours. Clear? तो 2 days कितना होगा, 2 days will be equal to 24 × 2, right? Which is equal to 48 hours. तो मेरे पास दोनों यूनिट्स आर्स में आ गए, सो लेट्स फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय टॉम एंड जेरी टू कंप्लीट द सेम टास्क। तो टॉम ने लिए थे 72 hours, जेरी ने कम टाइम लिया 48 hours, सो अब मैं फाइंड आउट करूंगी रेशियो। ये तो मेरे पास जो यूनिट्स है वो आर्स में गिवन है ना, अब मेरे को कॉमन फैक्टर लेके आई विल हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। ओके, सो लेट्स डू द डिविजन बाय 4, ओके 4 × ये था 48 है ना, ओके 4 1s are 4, दिस इज 4 8s are 32, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो अभी भी 18/12 बचा है, वी कैन फर्दर सॉल्व इट, 3 9s are 18 एंड 3 4s are 12, तो रेशियो कितना है, इट इज 9:4, दिस इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय टॉम टू जेरी टू कंप्लीट अ सेम टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन वी हैव सीन कि मुझे रेशियो फाइंड आउट करते हुए क्या करना होता है, आई हैव टू डिवाइड इट एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट द यूनिट्स आर सेम, ठीक है, जो यूनिट्स है वो सेम होने चाहिए, ओनली देन आई कैन कंपेयर, क्योंकि चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वान्टिटीज एंड कंपेयर हम हमेशा दो सिमिलर चीज़ों को ही कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ 60 rupees 6 to 60 paisa, ओके दिस इज द सेम थिंग, ठीक है, कन्वर्जन्स करनी है, आई नो दैट 1 rupee is equal to 100 paisa, ठीक है, तो 6 rupees कितने होंगे, rupees 6 will be equal to
अब एक की वैल्यू गिवन है, ज्यादा की निकालनी है तो वही यूनिटरी मेथड करेंगे, विच इज इक्वल टू 600 पैसा. सो नाउ आई विल फाइंड आउट द रेशियो. दिस इज 600 पैसा अपॉन 60 पैसा. ठीक है, यूनिट सेम है, कैंसिल आउट हो जाते हैं. एंड दिस इज हाउ मच, 6 इंटू 10 अपॉन 1. सो रेशियो कितना है, दिस इज 10:1. कूल, द सेकेंड वन इज 5 kg टू 111 टू 1100 ग्राम. सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट? सो 5 kg विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5000 ग्राम. ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी आप क्या कर सकते हो, आप ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? बाय डिवाइडिंग बाय 1000. ठीक है, तो और आप जैसे ऊपर रुपीज था, हमने रुपीज को पैसे में कन्वर्ट किया, मैं पैसे को भी रुपीज में कन्वर्ट कर सकती हूँ इस तरह से, राइट? सो इट इज अप टू यू, बट टू अवॉइड द डेसिमल्स हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो दिस इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 1100. सो दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, राइट? क्या बचा, 50 by 11. सो माय आंसर इज 50:11. ठीक है, फर्स्ट आंसर कितना था, 10:1, एंड द सेकेंड आंसर इज 50:11. क्या किया दोनों में, हमने यूनिट्स को सेम कर दिया. ओके, सो दिस वन इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, बोथ ऑफ दीज एक्चुअली. अब देखो, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो क्या करते हैं, लेट्स कन्वर्ट मीटर इनटू 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपको याद होनी चाहिए. एक मीटर कितना होता है, 100 centimeter. 1 centimeter इज इक्वल टू 10 millimeter, राइट? देन वी नो दैट 1 kilometer इज इक्वल टू 1000 meter, राइट? सेम यही चीज़ें चलती हैं फॉर आर kg, ग्राम्स, राइट? फॉर किलोलीटर एंड लीटर ऑल्सो. डेज की बात करें, आपको पता है 1 day इज इक्वल टू 24 hours, राइट? देन रुपी 1 इज इक्वल टू 100 paisa. सो इस तरह की इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स करने के बाद ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट द बिगर यूनिट इंटू स्मॉलर यूनिट, नहीं तो मुझे डेसिमल का यूज़ करना पड़ेगा. बिगर यूनिट को हमेशा स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने की ट्राई करना है. सो दीज आर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डू प्रैक्टिस इट. एंड इफ यू वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू टेल द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, इन अ कंप्यूटर लैब देर आर 3 computers फॉर एवरी 6 students. हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 students? तो अब ये आ जाती है प्रोपोर्शन की बात. ठीक है, व्हाट इज प्रोपोर्शन, कि अगर एक चीज गिवन है और दूसरी सेम प्रोपोर्शन में यूज होनी है, दैट द सेम नंबर इज नीडेड, हाउ एम आई गोइंग टू सॉल्व दैट? तो इसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं यूनिटरी मेथड. ठीक है, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, 3 computers हैं, कितने के लिए, 6 students के लिए. ओके, हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 students? सो लेट्स स्टार्ट इट लाइक दिस. 6 students जो है उनको चाहिए 3 computers. ठीक है, सो बेसिकली जो है 2 लोग एक कंप्यूटर शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ. ठीक है, तो एक स्टूडेंट यूनिटरी मेथड क्या होता है, एक यूनिट की वैल्यू निकालो. 1 unit विल बी 3/6. ठीक है, अब ये कंप्यूटर तो हाफ में नहीं हो सकता, बट इट्स जस्ट इन आर मेथड कि ये जो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा फॉर 1 student. एट दी एंड मुझे फाइंड आउट कितना करना है फॉर 24 students. तो 24 students के लिए हम हमेशा यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, एक का गिवन है, ज़्यादा का निकालना है, तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. दिस इज 3/6 इंटू 24, राइट? सो दिस इज 6, राइट? 6 4s are 24 होता है, राइट? एंड 4 3s are 12. सो कितने कंप्यूटर्स चाहिए मुझे, 12 computers चाहिए फॉर 24 students. अब आप अगेन देखोगे, 24 students में अगर मैं 12 computers को डिवाइड कर दूं, तो पर बच्चा कितना आएगा, 2 computers per student. ठीक है, सिमिलरली 6 students को 3 computers से डिवाइड कर दूं, तो भी आंसर कितना आ रहा था, आई वॉज गेटिंग 2 computers per student, राइट? आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 1660 lakhs. एंड एरिया ऑफ राजस्थान इज गिवन एंड एरिया ऑफ यूपी इज गिवन. तो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटी. ओके, ओके, जस्ट सेकेंड. स्लाइड को क्या हो गया,
Okay, so you have to find out that the number of people per square kilometer, per kilometer square कितने लोग हैं, आपको ये find out करना है. Okay, so उसके लिए हम क्या find out करते हैं, population density कहते हैं. ठीक है, कि अगर एक किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग जो हैं वो अवेलेबल है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि स्टेट कितनी पॉपुलेटेड है और कितनी कम पॉपुलेटेड है. राइट, सो पीपल पर किलोमीटर कैसे पता लगेगा, जब हम टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया से. राइट, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, को डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करना है, कितने में, टोटल एरिया में, जिससे मुझे पता लग जाएगा ऑन एन एवरेज कितने लोग पर किलोमीटर में रहते हैं, पर किलोमीटर स्क्वायर में. ओके, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इट इज 570 लाख. ठीक है, यूनिट अभी मैं साथ में लिख रही हूँ. एंड एरिया ऑफ राजस्थान कितना है, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, 3 लाख जो है स्क्वायर किलोमीटर है. ओके, कूल. Now we are going to divide it. 570 upon 3 is going to give me 3 ones are 3, 3 nines are 27. So 190 people per square kilometer. ठीक है, clear to everyone? Okay. Then secondly, अब मेरे पास है यूपी की बात करते हैं. यूपी में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1660 लाख, एंड एरिया कितना है, इट इज 2 लाख. तो देखा जाए तो राजस्थान से कम एरिया और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली पर स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा लोग प्रेजेंट होने वाले हैं. ठीक है, 2 8 16. ओके, देन वी हैव 6 2 3 2 4 8, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू 840 किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ यूपी इज 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर. ओके, आई थॉट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन. एनी वे, ठीक है, दिस इज 830 किलोमीटर स्क्वायर. ओके, सो एनी वे, दिस इज द नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर. दिस इज पर किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, लाख से लाख कैंसिल आउट हो रहा है. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, एंड इसमें कितने, 830 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर. दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, एंड दिस एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दिस वन. पर किलोमीटर स्क्वायर कितने लोग हैं, उसका फॉर्मूला कितना होता है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया. ओके, देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज परसेंटेज. अब परसेंटेज क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, इट मीन्स क्वांटिटी पर 100. ठीक है, कि पर 100 कितनी क्वांटिटी है, और इट इज अ फ्रैक्शन भी है हुज डिनोमिनेटर इज 100. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 6/100 लिखा, इसका मतलब क्या होगा, दिस विल बी 100%. ओके, आई हैव रिटन 120/100, इसका क्या मतलब होगा, दिस मीन्स इट्स 120%. अगर मुझे वैसे ही कुछ गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे 80% मार्क्स आए हैं, 80% मार्क्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 80 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100. तो मतलब 80% का मतलब होगा डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी 100. ओके, क्लियर टू एवरीवन? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ लेट्स से आउट ऑफ 25, ठीक है, मेरे 15 मार्क्स आए हैं. ठीक है, आई गॉट 15 मार्क्स आउट ऑफ 25. तो अब परसेंटेज का क्या मतलब होगा, कि अगर टोटल 100 होता तो मेरे कितने मार्क्स आते हैं, मुझे ये फाइंड आउट करना था. राइट, सो 25 में से अगर 15 मार्क्स आ रहे हैं, तो एक में से कितने होंगे, 15/25. ठीक है, सो आउट ऑफ 100 कितने होंगे, दिस अगेन वी आर डूइंग द यूनिटरी मेथड. आउट ऑफ 100 कितने होंगे, 15/20 × 100. राइट, तो ये 100 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड आई विल फाइंड आउट कि अगर 100 में से पेपर होता तो कितने मार्क्स आते. सो आई नो 25 × 4 is 100, एंड 15 4 से कितना होता है, दिस इज इक्वल टू, ओके, दिस इज 60. ठीक है, तो अगर 100 का पेपर होता तो मेरे 60 मार्क्स आते. सो दिस इज क्वांटिटी पर 100. क्लियर टू एवरीवन? अगर 15 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 20, तो 100 में से पेपर होता तो मेरे कितने मार्क्स आते, 60 मार्क्स आते, मतलब 60% मार्क्स आते. ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप देखोगे 15/25 की अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालने के लिए मैं इंटू 100 ही करती हूँ. राइट, सो दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला इफ यू आर गिवन अ फ्रैक्शन.
दैट आउट ऑफ 25 इट्स 15, तो 100 में से कितना होगा? ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, यू सिंपली मल्टीप्लाई इट बाई 100 एंड यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, दैट इज 60%, राइट? सो आई हैव गॉटन 60% मार्क्स. अगर मैं बोलूँ मेरे 25 में से 15 मार्क्स आए हैं. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज. तो इसको अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल 8/40 है, तो मैंने क्या बोला था, परसेंटेज मीन्स पर 100, तो वो फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100. देन वी हैव 13/5 इनटू 100, कूल. 5 × 2 = 10 एंड 20, दिस इज 260%, राइट? एंड दिस इज हाउ मच, 4 × 2 = 8 विच इज इक्वल टू 20%. सो वन मोर थिंग दैट यू आर गोइंग टू नोटिस इज कि जब भी मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, जब भी मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो मेरा आंसर है परसेंटेज का, दैट विल बी लेस देन 100, दिस इज 20%. बट व्हेन आई हैव एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन द न्यूमरेटर, इन दैट केस जो मेरा आंसर है वो 100 से हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है? बिकॉज 13 parts out of 5 इज ऑब्वियसली मोर देन 100% ना. 100% कितना होगा, 5/5, मतलब 5 में से 5 पार्ट्स ले लिए, 100% हैज बीन टेकन. अगर मैं इसको इनटू 100 कर दूँ तो आंसर 100% आता है, ठीक है? बट अगर 5 में से 13 पार्ट्स है, मतलब ये अपने फुल क्वांटिटी को क्रॉस कर गया है, सो माय आंसर विल ऑलवेज बी मोर देन 100%, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. सो हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग बाय 100. ओके, सो अ क्वेश्चन, आउट ऑफ 50 चिल्ड्रेन इन अ क्लास 20 प्ले फुटबॉल, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, ठीक है? सो आउट ऑफ 50 मुझे गिवन है, ठीक है? आउट ऑफ 50 कितने हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50. अब उन्होंने बोला है व्हाट परसेंटेज, मतलब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर 100 बच्चे होते तो उसमें से कितने फुटबॉल खेल रहे हैं. सो क्या करूंगी, उसके लिए मैं सिंपली इनटू 100 कर दूंगी. 50 × 2 = 100 एंड माई आंसर इज गोइंग टू बी 40%. दैट इज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, ठीक है? तो अगर मैं कोई मुझे कहता है कि 20 मार्क्स आउट ऑफ 50 आए हैं या 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 फुटबॉल खेल रहे हैं, तो अगर वो मुझसे पूछेंगे आउट ऑफ 100 कितने होंगे, इन दैट केस आई एम सिंपली गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, इजी क्वेश्चन, राइट? ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 23% ऑफ 150, ठीक है? जब हम ऑफ की बात करते हैं, ऑफ का मतलब हमेशा होता है मल्टीप्लीकेशन. 23% को अगर मुझे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होगा, मैं कैसे लिखूंगी, 23/100, ठीक है? परसेंटेज अगर साथ में हो तो उसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर इज 100, ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज इनटू 150. सो लेट्स सी ये कितना आएगा, लेट्स जस्ट डू इट. 23/10 जो है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2.3. सो नाउ आई हैव टू डू 2.3 × 15. सो व्हेन यू सॉल्व दिस 2.3 × 15, your answer is going to be 34.5, right? So I can say that A is the correct option. 23% of means multiplication and 23% ka matlab kya hua, 23/100. okay, out of 1500 voters in a constituency, matlab ek area hai, ek separate constituency hai, constituency hai jisme voting ho rahi hai, ठीक है? 60% जो लोग हैं उन्होंने वोट किया है. फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट. कैन यू फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट? ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस वन. अब 15,000 टोटल है एंड 60% ने वोट किया. 60% मतलब 100 में से 60 हैं, तो 15,000 में से कितने होंगे? तो मैं क्या करूँगी, 60% ऑफ 15,000 पीपल जो है उन्होंने वोट किया, ठीक है? नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड. सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज 6 × 5 = 30, 6 × 1 = 6. ओके, दिस इज 9,000 पीपल जो है उन्होंने वोट किया, ठीक है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट. अब देखो, ये जो टोटल 15,000 है, ये मेरे को 100% रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% ऑफ वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो इस 100% में से 60% लोगों ने वोट किया, तो जो बचे हुए 40% है, मतलब उन्होंने वोट नहीं किया, दे डिड नॉट वोट. सो कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी डिड नॉट वोट? सो दिस इज 40% ऑफ हाउ मच, ऑफ 15,000. सो यू कैन सॉल्व इट.
this is how much? 6,000. So 6,000 people who did not vote. ओके एंड इसका सेकेंड वे क्या है फाइंड आउट करने का, 40% तो मुझे पता लगे इन्होंने वोट नहीं किया. अब अगर 15,000 में से 9,000 लोगों ने वोट कर दिया तो बचे कितने 6,000 लोग जिन्होंने वोट नहीं किया. तो आप सिंपली टोटल में से 9,000 को माइनस करके भी आंसर ढूंढ सकते हो. ठीक है, सो प्लीज डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन, दीज आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक इटसेल्फ. ओके चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, परसेंटेज ऑल्सो हेल्प्स अस टू कंपेयर द फ्रैक्शंस व्हिच डू नॉट हैव द सेम डिनोमिनेटर. ओके सो द क्वेश्चन इज, रवि गॉट 340 मार्क्स आउट ऑफ 400 एंड सान्या क्या है 240 मार्क्स आउट ऑफ 300. तो किसके बेटर मार्क्स आए, देखने में तो दोनों के सेम लग रहे हैं. ठीक है, आई कैन सी कि यू नो 60 मार्क्स का डिफरेंस है, बट परसेंटेज इज गोइंग टू टेल मी कि अगर दोनों का पेपर आउट ऑफ 100 होता तो कौन बेटर परफॉर्म करता. ठीक है, सो इन केस ऑफ रवि वी हैव दैट ही गॉट 340 मार्क्स आउट ऑफ 400. अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब है कि 100 में से कितने मार्क्स आए होते हैं इसके. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट. सो दिस इज 4 8s are 32, 4 5s are 20. 85% आए होते हैं 100 में से मार्क्स. अगर 100 का पेपर होता तो उसके 85 मार्क्स आते. ठीक है, देन वी टॉक अबाउट सान्या. सान्या गॉट 240 मार्क्स आउट ऑफ 300. तो 100 में से कितने आए होते हैं, लेट्स सी दैट. 3 8s are 24 and 80. सो मतलब सान्या के 80 मार्क्स आते हैं 100 में से और रवि के 85 मार्क्स आते हैं 100 में से. इन दिस केस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है एंड आई कैन क्लियरली से दैट रवि स्कोर्ड बेटर. तो तभी जब हमारे जो परसेंटेज आती है, जो हमारे स्कूल में परसेंटेज आती है, दैट मीन्स कि आउट ऑफ 100 सबके कितने मार्क्स आए होते. सो मीन्स 100 का पेपर होता तो आपके 85% आते या 33% आते, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते. ठीक है, सो दिस ऑल्सो हेल्प्स अस टू कंपेयर टू क्वांटिटीज. ओके सो नेक्स्ट वी हैव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज. तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100. ठीक है, कितना चेंज आया, चेंज होने से पहले कितना अमाउंट था एंड उसके बाद उसको इंटू 100 कर दिया. राइट, फॉर एग्जाम्पल द प्राइज ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 40 पर लीटर टू 75 पर लीटर. नाउ तो इट्स इवन क्रॉस 100, राइट. चलो एनी वे अमाउंट ऑफ चेंज कितना है, दैट कैसे आएगा 75 पर लीटर माइनस 40 पर लीटर. ओरिजिनल अमाउंट कितना था, 40 था, इंटू 100. सो दिस इज 35 अपॉन 40 इंटू 100. लेट्स फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज. दिस इज हाउ मच, इट्स 350 divided by 4. Okay, 350 upon 4 is going to give you how much, 87.5%. तो percentage change कितना आया है, percentage change आया है 87.5%. अगर normal हम absolute change देखते या numbers की form में देखते तो rupees 35 per liter का change हुआ है, but अगर हम percentage की form में देखें 87.5% prices जो हैं वो increase हो चुके हैं. ठीक है, decrease का formula भी same ही रहेगा, amount of change ही करेंगे और माइनस में नहीं आएगा, अमाउंट ऑफ चेंज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव अपॉन द ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100. एक्सक्यूज मी, राइट. फॉर एग्जांपल इन द फाइनल सेमेस्टर रवीज मार्क्स डिक्रीज फ्रॉम 80 to 84, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज. तो फॉर्मूला क्या होता है, इट इज सेम, दैट इज अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट राइट इंटू 100. सो अमाउंट ऑफ चेंज कितना है, 80 minus 64, डिक्रीज फ्रॉम 80 to 64, मतलब पहले 80 थे फिर 64 हो गए. तो डिनोमिनेटर में 80 आएगा और यहाँ पे आएगा इंटू 100. सो 80 minus 64 इज गोइंग टू गिव यू 16 अपॉन 80 is equal to 100. सो ये कितना होगा, 8 2s are 16 एंड योर आंसर इज 20%. मतलब उसका जो मार्क्स है वो 20% से डिक्रीज हो गए, हिज मार्क्स डिक्लाइंड फ्रॉम 20%. राइट, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. चलो नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिट और लॉस एज अ
परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल शालू बॉट अ बुक फॉर रुपीज 640 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 800. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट. सो दिस वी ऑल्सो डन इन आर अर्लियर क्लासेस. ओके, सबसे पहले हमें देखना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस. ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस था रुपीज 640, राइट. माई सेलिंग प्राइस इट इज इक्वल टू रुपीज 800, राइट. सो इन दिस केस यू कैन सी दैट सेलिंग प्राइस इज मोर दैन द कॉस्ट प्राइस, राइट. तो ऑब्वियसली क्या हुआ है, मैंने सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा तो मुझे प्रॉफिट हो गया, राइट. एंड प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कितना होता है? इट इज प्रॉफिट अपॉन जितना मैंने खरीदा था, हमेशा अपॉन कॉस्ट प्राइस. चाहे लॉस परसेंटेज चाहे प्रॉफिट परसेंटेज डिनोमिनेटर में है, हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस देखेंगे इनटू 100. सो प्रॉफिट है कितना? योर प्रॉफिट इज इक्वल टू 800 माइनस 640 विच इज इक्वल टू 160, राइट. ओके, 800 माइनस 640 इज इक्वल टू 160. कॉस्ट प्राइस कितना था? इट वॉज 640 इंटू 100. ओके, लेट्स सॉल्व दिस. सिक्सटीन फोर जो 64 बचा क्या यहाँ पे, व्हाट डू वी हैव? ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी, अच्छा हमने एक जीरो एक्स्ट्रा काट दिया. जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सॉल्व दिस पार्ट अगेन, राइट. सो योर प्रॉफिट वॉज 800 माइनस 640, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 160. कॉस्ट प्राइस कितना था? 640 इंटू 100, ठीक है. तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट किया, 16 फोर से 64 होता है. सो 100 अपॉन 4 इज गोइंग टू गिव यू 25, राइट. सो द आंसर इज हाउ मच? इट इज 25%. मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ? उसको 25% का प्रॉफिट हो गया, राइट. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज रुपीज 50, इट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, फाइंड द सेलिंग प्राइस. ठीक है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 50, राइट. तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? इट इज इक्वल टू 12%. तो मुझे क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस. तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रॉफिट इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है. सो दिस इज 12/100 ऑफ 50, ठीक है. 50 टू ज 100 होता है, 2 6 ज 12. तो आंसर कितना आया? रुपीज 6 इज द प्रॉफिट, मतलब इतना पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा है. सो सेलिंग प्राइस कितना होगा? दिस विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस द प्रॉफिट इन रुपीज, ठीक है. प्रॉफिट परसेंटेज को प्लस नहीं करना है, प्रॉफिट निकाल के उसको प्लस करना है, ठीक है. 50 प्लस 6 विच इज इक्वल टू रुपीज 56. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, tell what is the profit or loss in the following transactions, also find profit percent or loss percent. theek hai, gardening shares bought for rupees 250, cost price kitna hai? rupees 250, and selling price kitna hai? it is equal to rupees 325, theek hai. obviously agar selling price zyada hai cost price se to mera profit hi hua hoga. profit is 325 minus 250, right, which is going to give you 75, right. 325 माइनस 250 इज 75 रुपीज, ठीक है. तो आपको फाइंड क्या करना है? प्रॉफिट या लॉस परसेंट भी फाइंड करना है. तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 75 अपॉन 250 इंटू 100, राइट. सो वी कैन कैंसिल दीज थिंग्स आउट. जैसे ये राइट, दिस बिकम 750 अपॉन 250, सॉरी 25. सो यू कैन ईजिली कैंसिल दिस आउट. 25 के टेबल में 3 पे आता है, 25 इंटू 3 इज 75 एंड 30. सो योर आंसर इज 30%, उसको 30% का प्रॉफिट हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेफ्रिजरेटर इज बॉट फॉर रुपीज 12,000 एंड सोल्ड एट रुपीज 135,00. अगेन आई कैन सी दैट द कॉस्ट प्राइस इज लेस दैन द सेलिंग प्राइस. तो क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है. प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट कैसे करना है? 135,00 अपॉन 12,000 विच इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू 1500, राइट. सो 1500 का उसे प्रॉफिट हुआ है. एंड प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 12,000 इंटू
100. So you can easily find this out. Ye 0 se 0 cancel out ho gaya. Kitna bacha? This is 150 upon 12. Right? So when you solve this, aapka answer jo hai, I think it's not been whole numbers. Theek hai? Toh 12 ones are 12, 30, 12 2s are 24 and point. Theek hai? 12.5% is your profit percent. So profit percent kitna aaya? It is 12.5%. Clear? Okay, so this one is of course your homework. A cupboard bought for rupees 2500 and sold at rupees 3000. So isme bhi aap dekh sakte hain profit ho raha hai. Find out the amount of profit. Apply the formula of profit percentage. Okay, a skirt bought for rupees 250 and sold for 150. So in this case my selling price is less than by cost price. So kya hoga? Loss hoga. So loss is how much? 250 minus 150, which is equal to 100. मतलब उसने महंगा खरीदा और बेचा जो है वो सस्ते में बेचा था. अब अगर मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो कैसे करूंगी? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस विच इज 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 250 इनटू 100. राइट, सो यहाँ कितना आ जाएगा? दिस विल बी योर 10,000. अगर हम सीधा इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं सो योर आंसर विल बी इक्वल टू 40%. सो by buying a skirt for rupees 250 and selling it for rupees 150, the person is incurring a loss of 40%. Okay, I hope it's clear to everyone. Okay, let's move on towards our next topic that comes under it, which is the simple interest. Theek hai? Simple interest is the other application of your percentage. Simple interest mein we look at three major things, that is principal, interest and the amount. अब प्रिंसिपल या सम क्या होता है? इट इज़ द मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक या फिर वी कैन इवन से और इन्वेस्टेड. ठीक है, बैंक में हम लोग सेविंग अकाउंट्स में अपना पैसा भी डाल सकते हैं जिसपे हमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मनी मिलता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर हम बैंक से बोरो भी कर सकते हैं. राइट, सो जो पैसा इन्वेस्ट किया है या बोरो किया है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल. इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट यू पे टू द बैंक फॉर द बोरोड मनी. ठीक है, और बैंक गिव्स अस, मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, जैसे मैंने 5000 बैंक में डाल दिए हैं 5 साल के लिए. तो जब मैं 5 साल के बाद वो 5000 को विड्रॉ करने जाऊंगी, मुझे वो 5000 नहीं मिलेंगे, मुझे उस पर कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अभी मिलेगा. दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. राइट, एंड जब मैंने बैंक से कुछ बोरो किया है, ठीक है, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया है और 5 साल बाद मुझे वो लोन 5000 का वापस करना है, तो मैं सिर्फ 5000 वापस नहीं करूंगी, उसके साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होता है. पर एनम, पर एनम मतलब एक साल के लिए इतना परसेंट मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देना है. ठीक है, एंड दिस इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट. So this can be anything, 5%, 10%, 6%, 7.5%, anything. और amount क्या है? It is the total money received, ठीक है, after a point of time अगर मैं invest कर रही हूँ, या फिर the total money paid. ठीक है, pay मैं किस case में करूँगी? जब मैंने loan लिया होगा. और receive कब करूँगी? जब मैंने invest किया होगा money को. ठीक है, I hope it's clear to everyone. Okay. So our first question is, find the amount to be paid at the end of 3 years when principal, okay, principal is equal to 1500, ठीक है, rate of interest is equal to 10%, ठीक है, और time, कितने time के बाद जो है ये पैसे को repay करना है 3 years के बाद. तो मुझे find out क्या करना है कि ये total मैं कितना repay करूँगी. उसके लिए I have to find out the amount of simple interest. अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला लगेगा. नो मैटर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है या टाइम निकालना है. तो फॉर्मूला इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. तो प्रिंसिपल है कितना? इट्स 1500. रेट इज गिवन टू मी एज 10, राइट, एंड टाइम इज आफ्टर 3 years डिवाइडेड बाय 100. सो इफ यू कैंसिल दिस आउट कितना बचा है? दिस इज 45 रुपीज़. 450 जो है ये मुझे एक्स्ट्रा देना है. दिस इज नॉट द टोटल अमाउंट टू बी पेड.
दिस इज नॉट द टोटल अमाउंट टू बी पेड. टोटल अमाउंट पे कैसे आएगा? जो प्रिंसिपल मैंने बोरो किया था 1500, वो तो मुझे देना ही देना है. उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 450 रुपीज का, मुझे वो भी पे करना है. तो इन दोनों को ऐड करके आता है आंसर, विच इज इक्वल टू 1950. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आपको टोटल मनी जितना रीपे करना है, दैट इज 1950. ओके, स्वाति गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 45. अब ये जो रुपीज 45 है, ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, फॉर वन ईयर. तो टाइम पीरियड कितना है, आई जस्ट राइट इट डाउन. टाइम पीरियड इज वन ईयर, ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% पर एनम. व्हाट इज द सम शी बोरोड? तो सम क्या होता है, मुझे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. सो जैसे कि मैंने कहा था, फॉर्मूला सेम रहेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता है तो 45 पुट कर देते हैं. प्रिंसिपल वी डोंट नो कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9, एंड टाइम पीरियड इज 1 ईयर. ओके, सो दिस बिकम्स, ये 100 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 4500 इज इक्वल टू 9p. यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 4500 अपॉन 9. एंड वी नो दैट 9 5s are 45. तो आंसर कितना आ रहा है, इट इज 500 रुपीज. सो दिस इज द अमाउंट जितना उसने बोरो किया था, मतलब उसने 500 रुपीज लिए, उसमें 9% पर एनम के हिसाब से एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, तो आंसर आएगा 45. क्लियर? एक्सक्यूज मी माई थ्रोट. ओके, ठीक है, होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. Okay, I don't know, there was a technical issue. I hope now I am visible. Yes, I am. Okay, next. If Daisy gives an interest for rupees 45 for 1 year at 9% per annum, so same, it is the same question. 1 year hai, 9% per annum hai, to kitna usne borrow kiya hai, hame ye find out karna hai. So you people can solve it. We just solve the question like this. Chalo, ek aur question karte hai. Ishita borrowed rupees 12,000 from her friends. Total usne money borrow kiya 12,000. आउट ऑफ विच रुपीज 4,000 वर बोरोड एट 18%, ठीक है, एंड द रिमेनिंग एट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट. वॉट इज द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स? सो दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ईजिली हो जाएगा. टोटल उसने 12,000 बोरो किया है अपने फ्रेंड से, ठीक है, आउट ऑफ विच 4,000 वर बोरोड एट 18% पर एनम. सो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट 1 निकालते हैं, दैट इज कितना उसको एक्स्ट्रा पे करना है 4,000 रुपीज पे. तो मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा 4,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इस 4,000 पे, 18% पर एनम, एंड कितने साल के बाद रीपे करना है, 3 साल के बाद, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, कितना आएगा, 18 × 12, दिस इज इक्वल टू रुपीज 2160. इतना उसको एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट पे करना है. नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट 2 निकालेंगे, दैट इज 12,000 में से 4,000 माइनस किया, तो बाकी का जो 8,000 है उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कम इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब सिर्फ 15% एक्स्ट्रा देना है, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, डिवाइडेड बाई 100. सो वेन आई विल सॉल्व दिस, दिस इज 880, ठीक है, इंटू 3 × 15 इज गोइंग टू गिव यू रुपीज 3600, ठीक है. तो उसको कितना देना है, 3600 रुपीज देने हैं इस 8,000 रुपीज पे, अगर हम इसको प्रिंसिपल देते हैं, ठीक है. तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है, टोटल इंटरेस्ट दैट शी हैज टू पे इज इक्वल टू 2160 प्लस 3600, ठीक है. तो आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5760 रुपीज, राइट. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. तो इसमें क्या किया, बस जो हमारा प्रिंसिपल था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एंड दोनों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो डिफरेंटली पुट हो रहा था, राइट. सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. सो इन दिस चैप्टर वी हैव कवर्ड दैट व्हाट आर रेशियोज, व्हाट आर परसेंटेजेस, ठीक है, एंड उसके कुछ एप्लीकेशंस इन द फॉर्म ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, राइट. सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर. आई होप इट्स क्लियर टू यू. अगर आपको डिटेल्ड चैप्टर्स करने हैं
या आपको और क्वेश्चंस करने हैं, यू कैन फॉलो अस ऑन अनअकैडमी 7th चैनल वेयर वी हैव अ नंबर ऑफ वीडियोस रिलेटिंग टू कंपेयरिंग क्वांटिटीज. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज अबाउट द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन व्हिच हैज अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड वेरी लेस कॉस्ट. लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, घर बैठे बैठे आराम से पढ़ो. अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स आर गोइंग टू बी टीचिंग यू. ट्यूशन भी इधर उधर नहीं भागना, किसी भी टाइम आप क्लास को देख सकते हो. आपको नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, एनसीईआरटी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एवरीथिंग. प्रैक्टिस टेस्ट आर इंक्लूडेड, लाइव टेस्ट सीरीज होगा, बैच कोर्सेज, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. वी हैव डिफरेंट पैकेजेस लाइक 3 months, 6 months, 12 months, 18, 24, 36 months, कोई भी पैकेज ले सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन इवन पे पर मंथ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12 months की सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, यू हैव टू पे ओनली रुपीज 15,000 पर मंथ, ठीक है? द प्राइजेज आर डिफरेंट फॉर क्लासेज 6, 7, and 8. सो यू पीपल कैन विजिट द अन अकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक है? ऐप पे जाओ, यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड यूज द कोड SPGSS10 इफ यू वॉन्ट इंस्टेंट 10% ऑफ. ओके, आइकॉनिक की बात करें, प्लस के फीचर्स जो अभी मैंने आपको बताए वो तो मिलेंगे. उसके अलावा यू गेट अ पर्सनल मेंटर, एक टीचर, एक स्टूडेंट एंड सारा फोकस आपको मिलेगा. स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन, ऑल योर बेसिक्स विल बी क्लियर. लाइव डाउट सोल्यूशन होगा, स्टडी प्लानर, टाइम टेबल, वीकली रिपोर्ट, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू. बेसिकली यू कैन एस योर एग्जामिनेशन. अगेन, वी हैव डिफरेंट पैकेजेस फॉर आइकॉनिक ऑल्सो and the per month cost is very very less. Visit the Unacademy app for more information and you also get 10% off if you use the code SPGSS10, right? So that's all for today. Don't forget to like, share and subscribe to our channels. Thank you so much. Bye bye everyone. Let's crack it with Unacademy. Bye bye.